दूसरा पक्ष ये हो गया। फिर डेबिट में वापस हम यहाँ पर आते हैं तो
खाता जो होता है वो
एक ही बार में। साझेदारों के पूंजी खाते, तो अभी यहाँ हमने देखा कि समापन के समय हम पहला जो है वसूली खाता तैयार करते हैं और दूसरा जो है साझेदारों के पूंजी खाते को तैयार करना। तो यहाँ साझेदार के पूंजी खाते में समस्त संचित कोष एवं संचय, लाभ हानि खाते का शेष, वसूली खाते का शेष, साझेदारों से संबंधित पूर्व में बताए गए व्यवहारों का लेखा किया जाता है। पूंजी खाते में वसूली खाते में की गई साझेदारों की समस्त संबंधित प्रविष्टियों के अतिरिक्त निम्न प्रविष्टि कुछ और भी हम करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हो गया संचय कोष एवं पूर्व के लाभ हानि का हस्तांतरण। किसी भी प्रकार के यदि कोई संचय शेष रह गए कोष है और पूर्व में यदि कोई लाभ हानि थी तो उसका हम हस्तांतरण करते हैं। यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, रिजर्व अकाउंट और फंड्स अकाउंट। लाभ हानि संचित वाला, कोई संचय ये और विभिन्न फंड, इनको जो है हम लाभ हानि अनुपात में सभी साझेदारों के उनके पूंजी अनुपात में यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो विंग रिजर्व फंड्स एंड प्रॉफिट ट्रांसफर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो संचय है, कोई कोष है, कोई पूर्व का लाभ हानि है, तो उसको हम सभी साझेदारों के पूंजी खाते में यहाँ पर हम हस्तांतरित कर देते। फिर दूसरा है हानि एवं कृत्रिम संपत्ति। ऐसी कोई संपत्ति जो कृत्रिम रूप में, जो हमने बहुत अधिक, ऐसी कोई संपत्ति जो बहुत अधिक कीमत की है और उसको हम एक ही वर्ष में उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, तो उसको हम जो विभिन्न वर्षों में बांटते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है फिक्स्ड असेट्स, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एक्युमुलेटेड लॉसेस अकाउंट और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इनको जो है हम लाभ हानि अनुपात में सभी साझेदारों के बीच में बांट देते हैं। तो ये जो है साझेदार का पूंजी खाता दो रूप में यहाँ तैयार होता है। और फिर पूंजी खाते को बंद करना, जब चिट्ठे में साझेदारों के चालू खाते दिए गए हैं तो उपयुक्त बनाई गई समस्त प्रविष्टियां साझेदारों के चालू खाते में की जाएंगी। चालू खाते के शेष को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर साझेदारों का चालू खाता बंद कर दिया जाता है एवं सबसे अंत में पूंजी खाता बंद किया जाएगा। इसमें हम जो जनरल प्रविष्टि करेंगे यहाँ पर ये होंगे, यदि पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, विंग कैश पेड टू पार्टनर। और दूसरी प्रविष्टि होगी यदि पूंजी खाते के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स। तो यहाँ विघटन की दशा में जो है पूंजी खाते को तैयार करना, दूसरी स्थिति जो है पूंजी खाते को जब हम यहाँ पर टोटली क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो दो प्रविष्टियाँ हम करते हैं। यदि पूंजी खाते का क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट। दूसरा, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष का योग यदि क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बिंक कैश रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स। इस जुड़ा हुआ एक उदाहरण हमारे सामने है। आप एक फर्म में साझेदार हैं, लाभ हानि तीन अनुपात में, एक अनुपात में बांटते हैं। 2008 को उनका चिट्ठा निम्न है, ये दायित्व तो जो है लेनदार 45,000 है, ए का ऋण जो है वो 20,000 है, पूंजी जो है ए की 10,000 और बी की 15,000 है, असेट्स जो है देनदार 20,000 हैं और विविध संपत्तियां 70,000 हैं। तो ये बैलेंस शीट दी हुई है, इस तिथि को फर्म का विघटन हुआ, देनदारों से 15,000 रुपये एवं संपत्तियों से 60,000 रुपये वसूल हुए। यहाँ हमें बनाना है वसूली खाता तैयार करना है। तो ये हमारे सामने जो है ये चिट्ठे से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमारे सामने है जिसके अंतर्गत हमें बैलेंस शीट को तैयार करना है। तो यहाँ हम वसूली खाता जो बनाएंगे, वसूली खाता, सन्ड्री असेट्स जो है सबसे पहले
सन्ड्री असेट्स, विभिन्न प्रकार की जो संपत्तियां थी, देनदार 20,000 के थे और जो संपत्ति थी वो हमारे सामने दी हुई थी 70,000 की। तो ये सन्ड्री असेट्स जो है पुस्तकीय मूल्य पर देनदार हमारे सामने थे 20,000 और संपत्तियां थी 70,000। अब यहां पर जो दायित्व है, दायित्व पुस्तकीय मूल्य पर ये है 45,000 रुपए के दिए हुए थे लेनदार, तो आपके पुस्तकीय मूल्य पर दायित्व जो है 45,000 वो हमने क्रेडिट पक्ष में लिख दीजिए। अब यहां पर संपत्तियों से जो वसूली हुई कैश, तो देनदार से जो हुए वो 15,000 और सन्ड्री असेट से जो हुए 60,000। इस प्रकार से 75,000 रुपए क्या हुई है, वसूली हुई। और फिर डेबिट पक्ष में ये लेनदारों को जो हमने भुगतान किया 45,000 का, ये लेनदार जो पुस्तकीय मूल्य पर 45,000 थे उनका भुगतान यहाँ पर किया गया। तो इस हिसाब से जब हम दोनों का टोटल करते हैं तो यहाँ पर टोटल होता है 1,35,000। और दायित्व तो जो पुस्तकीय मूल्य थे वो 45,000 और संपत्तियों से जो वसूली हुई वो टोटल 15,000 प्लस 60,000, टोटल 75,000 रुपये। तो ये क्या हुआ, हानि हुई यहाँ पर, हानि। ये हानि जो है ए के खाते में और बी के खाते में कितने, 15,000 इंटू 3:1 में दोनों साझेदार थे तो 3/4, तो हमने यहाँ पर हल किया तो 15,000 रुपये ये हानि आई, तो इनका अनुपात जो था 3:1 था, तो ए का अनुपात जो है 3/4, तो 15,000 × 3/4 ये आया 11,250, और बी का जब हमने बांटा तो 15,000 × 1/4 तो ये आया 3,750। इस प्रकार से दोनों को जो हानि का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 3:1 में 15,000 रुपये का, और टोटल ये आपका 1,35,000। तो इस प्रकार से हम वसूली खाता तैयार करते हैं, इसमें यहाँ पर जो है या तो हानि होती वसूली पर या लाभ होता है। यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न है, वसूली खाते के प्रारूप को समझाइए और दूसरा वसूली खाता व पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर लिखिए।